हाय एवरीवन, आज की अल्ट्रा मज़ेदार वीडियो में हम आपको बताएंगे सैमसंग गैलेक्सी A34 5G के बारे में। ये जो डिवाइस है इंडियन BIS सर्टिफिकेशन और गीक बेंच पर दोनों पर ही विजिट हो चुका है और इसका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन भी लीक हो चुका है। आज हम आपको बताएंगे सैमसंग गैलेक्सी A34 5G का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस के साथ सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है सूरज दास और आप सभी का स्वागत है टैग सूरी यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले बात करेंगे हम ही डिवाइस के बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन से। तो आपको डिवाइस में प्लास्टिक का फ्रेम मिलेगा जो कि प्लास्टिक के बैक के साथ आएगा। फ्रंट में आपको ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। डिज़ाइन की ओर ध्यान दें तो रियर के टॉप लेफ्ट में कैमरा मॉड्यूल है जहाँ पर आपको ट्रिपल इंडिविजुअल्स कैमरा रिंग्स मिलेगी, LED फ्लैश मिलेगा और नीचे की ओर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिलेगी। मतलब डिवाइस जो है दिखने में डेफिनेटली गुड लुकिंग रहने वाला है। इसके अलावा डिस्प्ले की ओर ध्यान दें तो आपको डिवाइस में 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 90Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसका मतलब डिस्प्ले जो है कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। अब जब गेमिंग की बात आ ही गई है तो आपको डेस्क में MediaTek का Dimensity 1080 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब ये जो प्रोसेसर है 6 nm की फैब्रिकेशन पे बना हुआ एक ओक्टा कोर CPU के साथ आता है जो कि पावरफुल प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर में आपको 2 कोर्स मिलते हैं 2.6 GHz पे क्लॉक कोर्टेक्स A78 वाले CPU के साथ और बाकी बचे 6 कोर आपको मिलते हैं 2.0 GHz पे क्लॉक कोर्टेक्स A55 वाले CPU के साथ और GPU में आपको ARM Mali G68 MC4 GPU देखने को मिल जाता है। मतलब कि गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी खासी करवा देगा और ये जो डिवाइस है परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा ये जो डिवाइस है 4 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज को प्रोवाइड करेगा, 6 GB रैम के साथ 128 GB और 8 GB के साथ 128 GB और 8 GB के साथ 256 GB स्टोरेज को प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आपको इसमें LPDDR4 XRAM टाइप और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाएगा। मतलब कि भाई रीडर स्पीड और रैम टाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर सारी चीज़ों को ध्यान से देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको इसमें Android 13 मिलेगा जो कि One UI 5 के साथ आएगा और सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस रहता है आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा। मतलब सॉफ्टवेयर को लेकर तो कोई भी इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम डैश के कैमरास की ओर ध्यान देते हैं। आपको डैश में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे 48 MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा जो कि OIS के साथ आएगा और 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा और 2 MP का एक और कैमरा देखने को मिल जाता है। आप इस डिवाइस के रियर कैमरा में 4K वीडियो 30 FPS और 60 FPS में कैप्चर कर पाओगे और फ्रंट में आपको 13 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा और आप फ्रंट कैमरा पे भी 4K वीडियो 30 FPS में कैप्चर कर पाओगे। तो सैमसंग का डिवाइस है तो भाई कैमरा क्वालिटी में कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, कैमरा आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अब हम इसके फीचर्स की ओर ध्यान दिए। आपको ऐसे फेस अनलॉक मिलेगा जो कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा और ऐसा कहा भी जा रहा है कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने का कम चांस है। यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। खैर ये तो सैमसंग के हाथों में कि आपको यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा या फिर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, लेकिन सेंसर्स में एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी कंपास सारे के सारे सेंसर देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाएगा, डॉल्बी एटमॉस भी देखने को मिल जाएगा। मतलब कि भाई ऑडियो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन एक चीज़ की कमी है कि आपको इसमें 3.5 mm का हेडफोन जैक मिसिंग देखने को मिलेगा। मतलब आपको USB Type-C का हेडफोन टाइप देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब हम इसके बैटरी डिपार्टमेंट की ओर ध्यान देते हैं। आपको जैसे 5000 mAh की बिग बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। अब ये जो डिवाइस है 6 nm की फैब्रिकेशन पे बना हुआ है तो एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकाल के दे रहा और चार्ज खत्म हो गया तो 25W का फास्ट चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली यार सैमसंग के पास तो 25W के अलावा और कोई चार्जर है भी नहीं। इसके अलावा प्राइसिंग की ओर ध्यान दे तो इस डिवाइस का जो प्राइस हम लोग को 30,000 rupees का अराउंड देखने को मिल जाएगा सैमसंग यार, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रीमियम प्राइस देखने को मिलेगा। और आपको पता भी है कि सैमसंग का जो फ़ोन है थोड़े एक्स्ट्रा प्रीमियम प्राइस पे आता है तो प्राइस आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। लॉन्च डेट की ओर ध्यान दे तो ये जो डिवाइस मिलेगा फरवरी मंथ इधर मार्च मंथ में लॉन्च होते दिख सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि फरवरी मंथ एंड होते होते ये जो डिवाइस हम लोग को इंडिया में लॉन्च होते दिख जाएगा। इसके अलावा आप हमें बता सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A34 5G का कौन सा स्पेसिफिकेशन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर ये डिवाइस 30,000 के अंदर आता है तो क्या ये डिवाइस अच्छा हो सकता है या नहीं, आप अपना कमेंट बॉक्स में ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि हम भी जानें कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो में क्या कमी लगी ताकि हम उस कमी पर ध्यान दें और नेक्स्ट टाइम आपको और भी ज़्यादा बेटर और इंप्रूव कॉन्टेंट देने की कोशिश कर सकें।